दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के बगैर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों को 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा बगैर PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को भी निलंबित किया जा सकता है। परिवहन विभाग की ओर से जारी एक सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सभी वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाने के लिए अनुरोध किया है। बता दें कि PUCC के तहत वाहन से निकलने वाले प्रदूषण कारक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की नियमित जाँच की जाती है और उसके बाद ही PUC सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी अधिकतर सेवाओं को फेसलेस करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने अपने इस कदम के पीछे तर्क दिया है कि इससे RTO में करप्शन खत्म होगा। इसके अलावा लोगों को घर बैठे ही कई जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। बता दें कि फेसलेस सेवा के शुरू होने के बाद से दिल्ली के सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में भीड़ कम हो रही है और घर पर रहकर ही लोग अपने काम निपटा रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन करने की ओर प्रयास कर रहा है। बता दें कि कई राज्य ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों के RC और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों को काफी आसान कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मौजूदा नियमों में बड़ा बदलाव दिया है। नए नियम के मुताबिक गैर लाभकारी संगठनों, निजी कंपनियों और वाहन निर्माता संघों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र का परिचालन करने की अनुमति होगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये संस्थाएं ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी कर सकेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई सुविधा के साथ ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानी RTO के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सुविधा जारी रहेगी। 2 अगस्त 2021 को जारी बयान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निजी प्रतिष्ठान, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, वाहन निर्माता संघ, स्वायत्त निकाय और निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।